सेक्टर 32 नोएडा में मंगलवार यानी आज जागृति लीला मेमोरियल फाउंडेशन द्वारा अवेयरनेस कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान फाउंडेशन की सचिव कुमु भटनागर ने मीडिया कर्मियों को अपनी संस्था के बारे में जानकारी दी और साथ ही एमिटी की छात्राओं को मीडिया कर्मियों से रूबरू कर कुछ जानकारियां पत्रकारों से छात्रों को मुहैया कराई गई। छात्राओं से पूछे गए सवालों का मीडिया कर्मियों ने जवाब दिया। मेरा नाम कुमु जोशी भटनागर है और मैं जागृति लीला मेमोरियल फाउंडेशन की फाउंडर हूँ और सचिव हूँ। और हम लोगों ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, इसका मेजर जो हमारा ऑब्जेक्ट है, जो हमारा कारण है, वो साइकोलॉजी के ऊपर जो स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं, स्टूडेंट्स वो हमारे साथ इंटर्नशिप कर रहे हैं। और हम भी मीडिया की साइकोलॉजी, क्राइम की, क्रिमिनल्स की साइकोलॉजी और विक्टिम्स की साइकोलॉजी को समझना चाहते थे कि एक मीडिया के संदर्भ में उनकी क्या साइकोलॉजी रहती है, किस तरह से मीडिया उस पर काम करता है और किस तरह से मीडिया सपोर्ट करता है। किन बेसिक पॉइंट्स पर डिस्कशन किया गया, अगर बात करें तो? बेसिक पॉइंट्स यही थे कि किस किस तरह से केसेस होते हैं और किस तरह से मीडिया अप्रोच करता है, मीडिया को कैसे पता चलता है न्यूज़ के बारे में, कैसे मीडिया काम करना शुरू करता है, क्या वो भी साइकोलॉजिकली किसी तरह से इमोशनली विक्टिम्स के साथ कनेक्टेड होते हैं और विक्टिम्स के साथ वो कैसे हैंडल करते हैं, क्रिमिनल के साथ कैसे हैंडल करते हैं। एक विक्टिम जो होता है उसकी जो उस टाइम सिचुएशन होती है, जो उसकी फैमिली की उस टाइम जो सिचुएशन होती है, किस तरह से उनको इमोशनली कंफर्ट देके और सारी न्यूज़ पता करते हैं और मीडिया में आगे फॉरवर्ड करते हैं। आपका एनजीओ किस संदर्भ में काम करता है? हमारे एनजीओ के 5 मेजर टॉपिक हैं, जो कि पहला है कैंसर अवेयरनेस, जिसमें हम कैंसर से रिलेटेड प्रिकॉशंस प्रिवेंशंस लेते हैं, जिसमें हम डॉक्टर्स की भी हेल्प लेते हैं और साइकोलॉजिस्ट की भी हेल्प लेते हैं। और सेकेंड पॉइंट हमारा फाइट अगेंस्ट रेप या क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन, उसमें भी हम पुलिस डिपार्टमेंट की हेल्प लेते हैं, साइकोलॉजिस्ट की हेल्प लेते हैं। हम अपनी पूरी ऐसी टीम बना के स्कूल्स और कॉलेजेस को मेजरली अप्रोच करते हैं, जहाँ पर हम उन लोगों को अवेयरनेस दे सकें क्या सही है क्या गलत है, कैसे वो प्रिवेंशंस ले सकते हैं, कैसे प्रिकॉशंस ले सकते हैं। और तीसरा पॉइंट है हमारा डी एडिक्शन को लेकर, एंटी टबैको या फिर ड्रग्स से रिलेटेड, उसमें भी हम अवेयरनेस प्रोग्राम देते हैं। हमने उत्तराखंड में झांसी में जाकर भी किया है, वी कवर एंटायर इंडिया। और फोर्थ हमारा पॉइंट है ट्रैफिक अवेयरनेस, उसको लेके भी हमने नोएडा में काम किया है और आगे भी करते रहेंगे। हमने होर्डिंग भी बनाया था और वो भी हमने रेड लाइट पर लगाया, जागृति लीला मेमोरियल फाउंडेशन का था, पूरा ट्रैफिक अवेयरनेस से रिलेटेड, जिसमें रॉन्ग साइड को लेकर, एक्सीडेंट्स को लेकर क्या लापरवाही होती है, किस वजह से करते हैं। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच कहो न्यूज़। धन्यवाद।